वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग फुल टेस्ट वन केमिस्ट्री नीट का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है। क्वेश्चन है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए गैसियस एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड। तो बच्चे ये जो है आयनेशन एंथैल्पी या आयनेशन एनर्जी का डेफिनेशन ही है। आयनेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात कर रहा है, मतलब ग्राउंड स्टेट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में जो एनर्जी लगेगा, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ऑप्शन टू इसका करेक्ट होगा। सेकेंड है 52 नंबर क्वेश्चन, द एलिमेंट कम्प्लीटिंग इट्स ऑक्टेट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है? जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आयनिक बॉन्ड कब होगा? जब एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो। जनरली इसी केस में बनता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नॉन मेटल में होगा। तो मेटल और नॉन मेटल में देखो एक ही बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो है अपना दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करके Mg2+ दो इलेक्ट्रॉन बनाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करेगा, O2- बनाएगा। तो Mg2+ और O2- में आयनिक बॉन्ड बनेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बन रहा है। ये दोनों नॉन मेटल है, यहाँ पे फॉस्फोरस हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है, कार्बन क्लोरीन दोनों नॉन मेटल है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर आइसो स्ट्रक्चरल। जो दो दो का पेयर दिया हुआ है उसमें से दोनों आइसो स्ट्रक्चरल किस ऑप्शन में है? तो फर्स्ट में XeF2 देखो, जेनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, दो बॉन्ड बनाया तो तीन लोन पेयर बचेगा। तो तीन लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, फर्स्ट में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी जेनन की sp3d, क्योंकि 3+2 5 हो गया। सेकंड में देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, दो बॉन्ड बनाया 5 बचा है, एक गेन किया तो 6, इसके पास भी 3 लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, sp3d में बेंट रूल लगता है। तो जेनन फ्लोराइड में देखो जो 3 लोन पेयर है ऑलवेज इक्वेटोरियल पोजिशन पर जाएगा और जो बॉन्ड पेयर है एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, तो लीनियर हो गया। IF2 में देखो आयोडीन, इसमें भी 3 लोन पेयर है, इक्वेटोरियल पे जाएगा और बॉन्ड पेयर एक्सियल पे जाएगा, इस पर माइनस चार्ज भी है। तो दोनों का स्ट्रक्चर देखो लीनियर है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। NH3 में sp3 है, ये sp2 है, ये पिरामिडल, ये ट्राइगोनल प्लेनर, ये नहीं होगा। कार्बोनेट ट्राइगोनल प्लेनर, SO32- में देखो SO3 में दो SO3 में क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, एक डबल बॉन्ड बनाएगा, एक O- एक लोन पेयर बच जाएगा। ये जो है ट्राइगोनल प्लेनर है, ये पिरामिडल है, ये भी नहीं होगा। PCl5 में भी लोन पेयर नहीं बचेगा, 5 में से 5 बॉन्ड बना रहा है, ICl5 में लोन पेयर बच जा रहा है, ये भी आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन OF2, बच्चे जो फ्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होती है, ये किसी भी कंपाउंड में अगर होगा तो -1 और फ्री स्टेट में 0, तो थर्ड -1 इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 55 क्वेश्चन में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो बोरिक एसिड H3BO3 या BOH3 इज प्रोटोनोइक एसिड। प्रोटोनोइक एसिड का मतलब है H+ देगा। तो देखो मैं ऊपर बना रहा हूँ, जो बोरिक एसिड था फर्स्ट ऑप्शन में H3BO3 बोलते हैं इसको, या BOH3, तो B के साथ 3OH होता है, यही H3BO3 है, ये लुईस एसिड है। तो जब इसको वाटर में हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो ये वाटर से लोन पेयर ले लेता है और यहाँ से H+ निकलता है, क्या होता है H+ निकलता है, तो ये क्या बना लेगा BOH4- H+। तो ये H+ तो देता है लेकिन ये अपना H+ नहीं देता है, वाटर से H+ निकलता है, इसीलिए बोरिक एसिड इज ए प्रोटिक एसिड, इसे हम लोग ए प्रोटिक एसिड बोलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रोटोनोइक एसिड, ये प्रोटिक एसिड नहीं है क्योंकि ये अपना H+ नहीं देता है, तो ये इनकरेक्ट है। बेरिलियम एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। बेरिलियम देखो, बेरिलियम का सेकेंड ऑप्शन जो है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p 0, और सेकेंड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 0 इलेक्ट्रॉन है, सारे खाली है। दो बॉन्ड बनाना है बेरिलियम, दो बॉन्ड बनाएगा तो कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा, तो 2s में 1 और 2p में भी 1 और दो ऑर्बिटल खाली, तो दो कोवेलेंट बॉन्ड और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी इसकी 4 हो सकती है।
तो ये क्या बताया, सिक्स, सिक्स इसकी कोवेलेंसी नहीं होगी। क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम हैव ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर इन सॉलिड फेज, ये सही है। क्यों, देखो बेरिलियम क्लोराइड लीनियर स्ट्रक्चर होता है, BeCl2 इस तरह से होगा, दूसरा बेरिलियम क्लोराइड देखो BeCl2 इस तरह से होगा। अब बेरिलियम के पास हमने अभी बताया था दो वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इसको लोन पेयर देके और ये इसको लोन पेयर देके क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो क्लोरीन जो है इसमें दोनों बेरिलियम के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, इधर भी देखो ब्रिज का काम कर रहा है, इसीलिए इसे क्लोरो ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। सेम कंडीशन एल्युमिनियम क्लोराइड में होता है, एल्युमिनियम 3 क्लोरीन एटम, दूसरे एल्युमिनियम में भी 3 क्लोरीन एटम, एल्युमिनियम के पास ही वैकेंट ऑर्बिटल है, अपना लोन पेयर इसको देगा, ये इसको देगा, तो इसमें भी देखो क्लोरो ब्रिज बॉन्ड बन रहा है, तो दोनों में क्लोरो ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। B2H6 2NH3 इज नॉन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, नहीं, इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6 होता है, B3N3H6 तीन बोरोन होना चाहिए, जिसे हम लोग बोराजीन बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन ये है, तो ये इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स विच प्रोड्यूस ब्रिक रेड कलरेशन एज फ्लेम, उसके बाद बोला गया है व्हेन एक्स डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस अल्कलाइन सॉल्यूशन एंड कंबस्टाइबल गैस वाई। तो बच्चे ब्रिक देखो, अब ऑप्शन देखना पड़ेगा हम लोग, कैल्शियम है, तीनों कैल्शियम है, एक बेरियम है, तो अगर कोई कंपाउंड एक्स है ब्रिक रेड देगा कलर, तो ब्रिक रेड कलर कौन देता है, कैल्शियम फ्लेम के साथ, तो फ्लेम कलर जो है इसका ब्रिक रेड होता है, तो कैल्शियम का होगा। और क्या बोल रहा है, एक्स को जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करें तो कैल्शियम ऑक्साइड या हाइड्राइड दोनों, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को पहले देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। तो बोल क्या रहा है हमारे पास, डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस अल्कलाइन सॉल्यूशन एंड कंबस्टेबल गैस वाई, ठीक है। अब इसमें दूसरा गैस तो बनेगा नहीं वाई, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, कोई गैस बन नहीं रहा है। अब देखो बेरियम नाइट्राइड तो ये पहले ही कट गया, ये भी कट गया, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिजॉल्व होने से CO2 नहीं, क्योंकि ये हीट करने से CO2 देगा, ये भी नहीं होगा। अगर कैल्शियम, फिर तो एक ही ऑप्शन बच गया, हाइड्राइड, इसको अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो हाइड्रोजन जो है कंबस्टेबल है, ऑक्सीजन के साथ H2O बनाता है और एनर्जी देता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं हम लोग, तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन चैप्टर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर आई। अब इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया है, तो वन मानेंगे एज दैट ऑफ K4FeCN6। तो K4FeCN6 कैसे डिसोसिएट होगा, तो आयनाइजेशन स्फीयर में जो है पूरा डिसोसिएट हो जाता है 4K+, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है ये डिसोसिएट नहीं होता, ये एक ही आयन बनाएगा, तो 1+4 5 हो गया वेंट हॉफ फैक्टर इसका, 5/1 5। अब देखो एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट कैसे टूटेगा, Al2SO4 3, इसमें कोऑर्डिनेशन है नहीं, तो 2Al3+ और 3SO4 2-, तो 2+3 5, यही तो आंसर करेक्ट हो गया। अब आगे चेक करोगे NaCl कैसे टूटेगा, Na+ और Cl-, तो 2 हो गया, 1 और 1 2। सोडियम सल्फेट कैसे टूटेगा, 2Na+ और SO4 2-, तो कितना हो गया, 2+1 3। और एल्युमिनियम नाइट्रेट कैसे टूटेगा, Al3+ और 3 नाइट्रेट NO3-, तो 3+1 4 हो गया, तो ये इस दोनों का ही सेम था जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग, तो देखो जो ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन ये हमारा फैक्चुअल है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, तो जो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है ये एक्सप्लोसिव होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच पीपाई डीपाई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए ये एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पीपाई डीपाई बैक बॉन्डिंग। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइट, लेंथेनाइट का मोस्ट स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें S से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और अगर D में है तो 1 इलेक्ट्रॉन वो दे देगा, F इनर सेल में चला जाता है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, तो मोस्ट स्टेबल इसका +3 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो
इस क्वेश्चन में देखो पूछा गया है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE के बारे में पूछा गया है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डेल्टा ओ है और टेट्राहेड्रल के लिए डेल्टा टी है, तो रिलेशन क्या होगा? तो ये तो सिंपल रिलेशन है, डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ, क्योंकि टेट्राहेड्रल का CFSE हमेशा ऑक्टाहेड्रल से कम होता है। कितना कम होता है? 4/9 डेल्टा ओ होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। सिमिलरली आपको स्क्वायर प्लेनर के लिए भी पूछ सकता है ऑक्टाहेड्रल के साथ, तो डेल्टा ओ क्या होता है? 1.3 डेल्टा वो ना डेल्टा एस पी कर लो 1.3 अगर लिख रहे हो, तो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है ये ज़्यादा होता है ऑक्टाहेड्रल से भी, तो 1.3 डेल्टा ओ होगा। ठीक है, 1.3 डेल्टा ओ, ये हमें पूछा नहीं गया है, हमें सिर्फ ये पूछा गया। इस पर एक बार न्यूमेरिकल भी आया है नीट में, डेल्टा ओ का वैल्यू दे दिया था 22,000 के अप्रोक्स कुछ दिया हुआ था, डेल्टा टी का वैल्यू पूछा था, या इसका शायद 18,000 दिया था, डेल्टा टी का पूछा था, तो इसमें वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। 61 जो है नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप OH है, ये तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसको हम लोग लिस्ट पोजीशन देंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो 3 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ गया मिथाइल, रिंग 5 का है, रिंग है तो साइक्लो पेंटेन वन ओल, ठीक है, तो 3 मिथाइल साइक्लो पेंटेन ओल, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें नोमेनक्लेचर ही पूछा गया है, सिस्टमेटिक नेम ऑफ कंपाउंड दिया है, तो इसमें भी OH फंक्शनल ग्रुप है, तो फर्स्ट पोजीशन 1, 2, 3, तो सेकंड पे क्या आ गया? ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, फर्स्ट पे ओल है तो 1 ओल, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 ओल, 2 ब्रोमो 3 प्रोपेन ओल नहीं, 2 ब्रोमो 1 प्रोपेन ओल होगा सेकेंड ऑप्शन। इसमें भी 1 लगाना चाहिए, नहीं लगाया, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट करेंगे। 63 है, फॉस्फिन इज नॉट ऑब्टेंड बाय द रिएक्शन व्हेन, नॉट ऑब्टेंड है, तो रेड फॉस्फोरस को अगर हीट करें NaOH से तो ये फॉस्फिन देगा, रेड फॉस्फोरस P4NaOH, वाट एक्वस मीडियम में ये बनाता है PH3 और NaH2PO2, तो ये भी फॉस्फिन दे रहा है हमारे पास, तो हमें क्या पूछा गया है कौन सा फॉस्फिन नहीं देगा, तो हमारा ये ऑप्शन जो है, अच्छा इसमें एक चीज़ करेक्शन करना, ये हमारा रेड फॉस्फोरस दिया, ये वाइट फॉस्फोरस के साथ होता है, रेड फॉस्फोरस की रिएक्टिविटी कम होती है थोड़ी सी, तो ये वाइट फॉस्फोरस के साथ होगा, रेड फॉस्फोरस के साथ अगर ये रेड फॉस्फोरस होगा तो रेड फॉस्फोरस में अगर NaOH डालें, ठीक है, रेड फॉस्फोरस जो है NaOH के साथ नया कंपाउंड बनाएगा, नया कंपाउंड नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं मिक्सचर बनाएगा, क्योंकि जो रेड फॉस्फोरस है तो इसकी रिएक्टिविटी कम होने के कारण ये NaOH या KOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो यही आंसर होगा। अब है कैल्शियम फॉस्फाइड, जो कैल्शियम फॉस्फाइड है, कैल्शियम फॉस्फाइड क्या होता है? Ca3P2, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग करें वाटर के साथ, तो Ca3P2 है वाटर के साथ, इसमें भी फॉस्फोरस पे 3- चार्ज है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और PH3 बनाएगा, तो ये भी फॉस्फोरस देगा, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड क्या बोलोगे? P2O3, लेकिन डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4O6 के फॉर्म में, इसमें अगर वाटर डालेंगे तो ये फॉस्फोरस एसिड बनाता है H3PO3, तो ये तो एक केस हो गया, ये होता है जब हमारा वाटर नॉर्मल हो, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड है बॉयल कर रहे हैं, P4O6 को वाटर के साथ अगर बॉयल करो, ठीक है, तो बॉयल करने के बाद ये H3PO4 बना लेता है और PH3 देता है, तो इससे भी PH3 बन रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, क्योंकि रेड फॉस्फोरस जो है NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता है, वाइट फॉस्फोरस जो है NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, तो 64 जो है एसरसन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, तो एसरसन जो है ए वो क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो लेबल एज ए एंड द अदर रीजन जो है आर से रिप्रेजेंट है, एसरसन है हमारे पास, अल्काइल क्लोराइड आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल बाय रिएक्शन विथ SOCl2, एकदम सही है, जो अल्कोहल है इसका रिएक्शन SOCl2 से करें, SOCl2 को थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, RCl बनाता है, इसके साथ SO2 और HCl बनता है जो गैस होता है, तो ये गैस ईजिली एस्केप हो जाएगा, तो हमें RCl जो है ईजिली मिल जाएगा, प्योर मिल जाएगा, इसलिए हम लोग इसे बनाते हैं और ये बेस्ट मेथड है। द अदर टू प्रोडक्ट्स आर ईजिली एस्केपेबल सो रिएक्शन गिव्स प्योर अल्काइल क्लोराइड, एकदम सही है, ये दोनों जो है जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है ये गैस है, ईजिली एस्केप हो जाएगा, इसीलिए हमारा प्योर RCl बनाएगा, तो एसरसन रीजन दोनों ट्रू है,
और रीजन जो है वो एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, तो देखो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सारे जो हेलो बेंजीन दिया है, तो जो हेलो बेंजीन है ये इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है, क्योंकि जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण दे सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर भी इजीली नहीं देता है, ये ड्रास्टिक कंडीशन में देता है। ठीक है, NO2 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा बढ़ाएगा तो दे सकता है। क्यों नहीं देता है, इसका रीज़न क्या है? जो हेलोजन है इसका जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में जाता है, रेजोनेंस में जाने के कारण इस पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसीलिए ये इजीली स्किप नहीं होता है। लेकिन अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसे लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम होगी, तो डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होगी और वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, तो ये इजीली देगा। तो सबसे कम कौन देगा? जिसकी सबसे कम है आयोडीन, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, फिनॉल है, इसका बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, तो ये जो है एच और सी एल, एच सी एल बना लेगा और एस्टर का फॉर्मेशन करेगा, जो हमारा ये क्या है C6H5 बेंजीन रिंग मैंने लिख दिया, सी ओ, ये सी एल जो है इसके एच के साथ एच सी एल बना के बाहर हो जाएगा और ये सी ओ ग्रुप के साथ आ जाएगा ओ, और ये हमारा फिनाइल रिंग। अब इसकी नाइट्रेशन करेंगे, तो नाइट्रेशन करने से जो ये वाला ग्रुप है ये क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो पोजीशन पे तो अब नहीं आएगा, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस है और वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और ऑर्थो और पैरा दोनों पे एक साथ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा एक साथ दोनों पे NO2 ग्रुप? क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, इसीलिए किस पोजीशन पे जाएगा? ये पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो इसकी जब नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रेशन ये वाई वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये हमारा बेंजीन रिंग है, इसके COO ये बेंजीन रिंग है, इसके पैरा पोजीशन पे NO2 आएगा जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का है, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का है। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, इसके साथ जितना लेस बल्की ग्रुप होगा उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, बल्की ग्रुप आने से रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे देखो तीनों एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो कीटोन में मिथाइल बल्की ग्रुप है, इसकी कम हो गई। अब देखो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो पॉजिटिव चार्ज कौन बढ़ाएगा यहाँ पे कार्बन पे? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, इसमें मिथाइल प्लस एम ग्रुप है, ये माइनस एम ग्रुप है, तो माइनस एम ग्रुप जो है पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा कौन देगा? यही वाला ऑप्शन देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव कीटोन विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ये देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ कीटोन कौन देगा? फॉर्मेल्डिहाइड जो है प्राइमरी अल्कोहल देता है, बाकी एल्डिहाइड जो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ सेकेंडरी अल्कोहल देता है। तो हमें अल्कोहल तो देखना नहीं है, कीटोन बनाना है, तो फॉर्मेल्डिहाइड तो कभी भी कीटोन देगा ही नहीं। अब इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल का ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अगर रिएक्शन करें, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से इथाइल अल्कोहल C2H5 होगा, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है अगर वीक एसिडिक मीडियम में भी अगर आता है तो R पे माइनस एम जी पे प्लस होता है, तो ये H प्लस लेके RH बना लेगा, अल्केन देगा, ये कीटोन नहीं देगा, X है OC2H5। ठीक है, ये अल्केन दे देगा, तो ये भी नहीं होगा। मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड क्या होता है? CH3CN, ग्रिगनार्ड रिएजेंट होगा, RMGX, तो R पे माइनस और MG पे प्लस होता है। ठीक है, तो R जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा तो N पे नेगेटिव चार्ज आएगा, N के साथ आ जाएगा MG, तो CH3C के साथ N आ जाएगा, डबल बॉन्ड NMGX। अब इसकी अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में H2OH+, तो क्या होगा? ये सॉरी R है, तो ये क्या हो जाएगा? ये अमोनियम बना के बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड 2OH आ जाएगा, 2OH आता है तो वाटर एलिमिनेट करके डबल बॉन्ड O बना लेता है, तो CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O R आ जाएगा, दिस इज कीटोन। तो मिथाइल साइनाइड जो है कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं,
अब देखो ये नेम्ड रिएक्शन पे डायरेक्ट बेस्ड है, फिनाइल आइसोसाइनाइड जिसे कार्बाइलामाइन बोलते हैं, इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बाइलामाइन रिएक्शन जब हम लोग एमाइन का रिएक्शन, फिनाइल है तो एनिलीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक की वजह से करें तो फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा, दिस इज कार्बाइलामाइन रिएक्शन। रिएक्शन अगर लिखना चाहो तो फिनाइल है तो इसीलिए हमें बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप लेना पड़ेगा, CHCl3 और एल्कोहलिक KOH, तो ये क्या दे देगा हमें, फिनाइल आइसोसाइनाइड कार्बाइलामिनो बेंजीन बोल सकते हो इसे, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का फर्स्ट मेंबर क्या होगा बच्चे, जो भी सेक्राइड है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ये क्या होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, तो एक तो इसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ही ले लेते हैं क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे होगा, कीटोन लेंगे तो एक ऊपर भी कार्बन लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें तो कार्बन बढ़ जाएगा। अब पॉलीहाइड्रोक्सी है तो दो OH होना चाहिए ना, एक दो, यहाँ पे H भी रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो देखो 3 कार्बन और एल्डिहाइड, इसमें तो कीटोन है 1 2 3 OH ग्रुप है इसमें भी, ठीक है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए, तो इसमें देखो कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसमें एक कायरल सेंटर था ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है इसलिए नहीं होगा। यहाँ देखो CHO, यहाँ पे कायरल सेंटर है, यही वाला कंपाउंड हो गया, तो ये हमारा जो है क्या होगा, फर्स्ट मोनोसेक्राइड होगा, ये सेक्राइड ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कायरल सेंटर नहीं है, जो सेक्राइड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, मतलब कायरल सेंटर होना चाहिए और सिमेट्री नहीं होना चाहिए, इसमें तो कार्बन बढ़ गया, इसमें भी कार्बन बढ़ गया, ठीक है। 70 के बाद नेक्स्ट 71 क्वेश्चन बच्चे, जो ये क्वेश्चन है इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, ये लैक्टोज है, लैक्टोज इज डाइसेक्राइड ऑफ, लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है, इसीलिए ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का डाइसेक्राइड है, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, ए मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन ऑक्यूपाई हाउ मच वॉल्यूम एट NTP। तो पहले मोल निकाल लेते हैं, ठीक है ना, मोल कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के मोल आ जाएंगे 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मोलर मास हाइड्रोजन का 2 होता है, 1 मोल। ऑक्सीजन के मोल कितने आ जाएंगे O2 के, तो 32 ग्राम है, मोलर मास 32, तो ये भी 1 मोल, तो टोटल मोल हमारे पास आ गया 1+1 2 मोल। एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो 2 मोल का वॉल्यूम 2 × 22.4 लीटर, दैट इज 44.8 लीटर। 44.8 लीटर फर्स्ट ऑप्शन है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये क्वेश्चन में देखो मोल कंसेप्ट का हो गया, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, एक एटम का वेट दिया गया है, जिसको मास बोलते हैं, एक एटम का मास दिया गया है, तो द ग्राम एटम, ग्राम एटम का मतलब होता है मोल, ठीक है ना, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, अगर ग्राम के साथ एटम मॉलिक्यूल आयन लगा हो तो उसका मतलब होता है मोल, इन 40 किलोग्राम एज। तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं, मोल मतलब निकालो, पहले नंबर निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, एक एटम का मास दिया है तो इतने किलोग्राम में कितना होगा, 40 किलोग्राम का मतलब ग्राम में कितना होगा, 40 × 1000, एक का मास पता है तो इसे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा 6444 × 10⁻², तो इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होके आ रहा है हमारे पास 6.2 × 10⁶, इतने एटम है। तो अब नंबर ऑफ मोल सब निकाल सकते हैं, जो एटम है इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, तो 6.022 × 10³। अब देखो हमें राउंड फिगर में सारे ऑप्शन दिए हैं, तो ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 23 ऊपर जाएगा तो 10³, 10³ सेकेंड ऑप्शन है, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 74 बच्चे, इसमें क्वांटम नंबर दिया है NLM की वैल्यू, M की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, M की एक ही वैल्यू है मतलब एक ही ऑर्बिटल होगा, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, तो M की वैल्यू अगर नहीं देता L2 होता तो L2 का मतलब है M की वैल्यू -2 से +2 तक सारे वैल्यू तो 5 होते हैं, लेकिन M इसमें फिक्स कर दिया, देखो L2 है तो M की वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0 +1 +2, तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन ये सिर्फ +2 की बात कर रहा है, तो +2 वाला तो एक ही ऑर्बिटल होगा ना, L2 है तो M की वैल्यू 5 है, 2 3 4 5, -2 -1 0 +1 +2, ये सिर्फ इसकी बात कर रहा है, ये मतलब एक ऑर्बिटल, ठीक है।
अब नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 क्या है, एन एटम हैज मास 0.02 किलोग्राम एंड अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, डेल्टा वी की वैल्यू दिया है, ठीक है, देन अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एच की वैल्यू, डेल्टा एक्स निकालना है और एच की वैल्यू दिया है। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई होता है, 4 पाई एम, डेल्टा पी लेते हैं तो 4 पाई, डेल्टा वी लिए तो 4 पाई एम लेंगे। तो डेल्टा एक्स निकालना है ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम डेल्टा वी, एच की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 6.626 10^-34 डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू पुट कर देते 3.14, मास दिया है 0.02 किलोग्राम और डेल्टा भी दिया है 9.218 × 10^-6। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होके कितना आ रहा है, 2.86 × 10^-28 मीटर। तो ये वाला ये छूट गया, माइनस कितना था, 6, ठीक है, तो -28 मीटर। वैसे देखो -6 ऊपर जाएगा, -34 प्लस 6 -28 बचेगा, इसको सॉल्व करके ये आ रहा है, ठीक है। तो -28 वाला एक ही ऑप्शन है फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो अब 75 के बाद वाला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे।